हाँ जी, जय हिंद सभी को। नमस्कार, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एनडीए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट 60 डेज में आप कौन सी वो चीजें कर सकते हैं जिनसे आप साइंस में एक अच्छा खासा स्कोर क्या है खड़ा कर सकते हैं। यानी कि वो 3 बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आप अभी भी लास्ट 60 डेज में आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं, पहले से अच्छा स्कोर आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, और फाइनली आप जीएटी के पोर्शन में या पूरा ओवरऑल एनडीए के पेपर में आप अच्छा कर सकते हैं। तो साइंस की मैं बात करूं तो जीएटी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यहाँ से आप 150+ तक आप आराम से ला सकते हो। तो आज हम उसी चीज के बारे में एक बार मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि भाई कौन से वो 3 काम है आप कर लोगे तो आप भी क्या है एक अच्छा खासा स्कोर क्या है टच कर सकते हो, साइंस में अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हो। चलिए, तो ये 3 काम अभी भी आप कर सकते हो लास्ट 60 डेज में। फर्स्ट, यू हैव टू कंप्लीट योर थ्योरी। सेकंड, यू हैव टू डू अलॉट ऑफ प्रैक्टिस। एंड थर्ड, यू हैव टू डू अलॉट ऑफ रिविजन्स। चलिए, तो सबसे पहले इन 60 डेज में आपको क्या करना है, यदि अभी तक आपने अपनी थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया है। देखो, आपने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है, दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया है तो भैया आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, बिकॉज आपकी थ्योरी ही आपके 2 स्टेप्स को खोलती है। इन केस आपने अभी तक नहीं किया है तो ये थ्योरी और प्रैक्टिस ये आपको क्या है अब पैरेलली चलाना पड़ेगा। तो लास्ट 16 डेज में मतलब आप जो ये बेटर कर सकते हो कि ये दोनों चीजें आप पैरेलल लेके चल सकते हो, एक थ्योरी और दूसरा प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए आपके लिए 3 बैचेस जो अभी रिसेंटली कुछ स्टार्ट हुए हैं, कुछ स्टार्ट होने हैं, जिनको आप फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स का न्यू बैच जो 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, केमिस्ट्री अभी 27 जनवरी से स्टार्ट हुई है और बायोलॉजी आपकी 14 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो ये 3 बैच जिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक साइंस को कंप्लीट नहीं किया है, या जिन्होंने फिजिक्स नहीं कंप्लीट किया है, केमिस्ट्री कंप्लीट नहीं किया है, बायोलॉजी, तो भाई पहला तो आपको क्या है थ्योरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे कई बार साइंस के बच्चे के मैसेजेस कॉल आते हैं, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं क्या करूँ जी, मुझे तो सब आता है। कुछ नहीं आता है, सच्चाई ये है कि आपको वो चीज नहीं आती है जो आपके एनडीए में आती है। तो एक बार करके, चाहे आप रिकॉर्डिंग के थ्रू, चाहे आप 2x की स्पीड में, चाहे 3x की स्पीड में, जैसे भी कर सकते हो, 70-80% थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने में और क्वेश्चन करने में आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। अब जिन्होंने कर लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो दोनों चीजों को साथ साथ चलेंगे, बिकॉज इतना टाइम आपके पास नहीं कि आप पहले थ्योरी को करो बाद में प्रैक्टिस करो। हाँ, एक बेनिफिट यहाँ पे ये हो सकता है कि जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं वो क्या है वो मैराथन्स के थ्रू क्या है अपनी थ्योरी को कवर कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम जो मैंने मैराथन्स दी थी, जहां पे फिर आपको लगता है कि यू नीड टू नो द डिटेल्स, तो आप फिर कोर्स को क्या है फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ये क्या है, दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज दी प्रैक्टिस। ओके, हर बच्चे को इतनी प्रैक्टिस करके जानी है कि उसको क्वेश्चंस क्या है अलग ना लगे। तो ये प्रैक्टिस किसकी होगी, ये प्रैक्टिस चाहे आपके डीपीपीस की हो, या फिर ये आपका रगड़ा सीरीज हो, या फिर ये आपके पीवाईक्यूज हो, या फिर ये आपका क्या हो मॉक टेस्ट हो। ओके, तो एक बहुत अच्छी बात ये है कि इस 60 डेज के ही टाइम पीरियड में मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, 4 फरवरी से रगड़ा सीरीज। रगड़ा सीरीज अभी जो कि ये फिजिक्स के लिए स्टार्ट हो रही है 4 फरवरी से, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा इसको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसको आप अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस पे फॉलो कर सकते हैं। आप अनअकैडमी ऐप को जैसे ही खोलेंगे वहां पे स्पेशल क्लासेस आती हैं, जहां पे जाके आप मेरे प्रोफाइल को फॉलो करेंगे तो प्रोफाइल पे क्या है आपको सारी स्पेशल क्लासेस रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों ही फॉर्मेट में मिल जाएंगी। यदि आप एनडीए कैटेगरी में पढ़ रहे हैं या बिल्कुल नए हैं तो आपको इसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा जो इन्हीं 16 डेज में आपको करना है। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो आप मेरे साथ अभी भी लास्ट 16 डेज में रहकर कर सकते हैं, और सिर्फ कर ही नहीं सकते, एक अच्छा खासा स्कोर आप ला सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिस। थ्योरी के लिए मैं कहूंगा कि आप डिटेल ही करिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन आपको अफसोस नहीं रहता है। हाँ, आपको लग रहा है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको चीजें आती हैं, तब उस केस में आप मैराथन्स पे जा सकते हो। मैराथन्स का मतलब वही कि कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हो। ओके, या फिर किसी को लगता है कि हमारे पास सर की पीडीएफ है, नोट्स हैं, हम उनको पढ़ के, देखो नोट्स वैसे इजीली अवेलेबल होते हैं, बट बेटर इसमें यही होगा कि अभी भी आपके पास टाइम है कि आप डिटेल कर लो,
क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि अभी ये जो सब्जेक्ट है इसको जितना टाइम दे दोगे आपको बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोर दे देगा। तो इसमें ये बेनिफिट आपका है कि अभी भी आप इसको 2 से 3 घंटे तक दे रहे हो, 4 घंटे दिन में दे रहे हो, तो आपका 60 डेज में आपको अच्छा खासा नंबर आपके पेपर में देके चला जाएगा। ओके, बाकी जो थोड़ा सा एडवांस है उनके लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि वो मैराथन से नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। बट ये प्रैक्टिस, ये तो हर बच्चे को इंडिविजुअली करनी ही करनी है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, इसका कुछ भी अल्टरनेटिव आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज हो जाती है जो बच्चे काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है रिवीजन। देखो सारी चीजें एडुकेटर के हाथ में होती हैं, थ्योरी, क्वेश्चंस, डीपीपी, प्रैक्टिस, बट जो एडुकेटर के हाथ में नहीं होता है वो होता है रिवीजन। और ये रिवीजन आपको क्या है, अपने आप से करना पड़ेगा। मैं तरीका बता सकता हूँ, समय बता सकता हूँ, वक्त बता सकता हूँ, लेकिन निकालना आपको ही पड़ेगा। तो ये रिवीजन आपको, यानी कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो या वीकली बेसिस पे कर रहे हो, मंथली तो नहीं कहूंगा, मंथ में एक बार तो मतलब बहुत ही वॉस्ट केस हो जाएगा, मतलब वीकली आप चीजों को रिवाइज भी करते चलिएगा। यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप चीजों को पढ़ते हो, तो सैटरडे संडे हर हालत में टाइम निकाल के, चाहे 1 घंटा ही निकालो, 1.5 घंटे ही निकालो, भाई रिवीजन जरूर करो। कई बार क्या होता है, बच्चा कहता है जी बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में एक चीज होती है, वो होता है अफसोस, काश पहले कर लेता, पहले क्या किया था, बाद में करूंगा, और बाद में क्या करते हो, काश पहले कर लेता। तो बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में सिर्फ प्रेशर होता है, हर चीज का प्रेशर लगता है और फिर कुछ नहीं हो पाता है। तो साथ के साथ आप रिवीजन को भी करते चलें। यदि आने वाले 60 डेज आप इन 3 कामों को कर लेते हो, तो मैं कहता हूं कि अभी भी आप एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हो। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है उनको तो फिर क्या करना है, आग ही लगानी है, उनको तो सिर्फ बायोलॉजी आपकी बची हुई है, बायोलॉजी पढ़ो और साथ में प्रैक्टिस जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, मेरे साथ भी, मेरे अलावा भी आप अपने से कर सकते हो तो करो। हाँ, उसमें कोई भी दिक्कत आती है, क्वेश्चंस को मेरे पास लाओ, दोनों मिलके उसको ढूंढेंगे, उसको फोड़ेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो गाइज ये 60 डेज काम आप कर लेते हो तो मैं अभी भी कहता हूं, मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलवा रहा हूं, मैं आपके लिए ये बात इंश्योर कर रहा हूं कि आप 150+ नहीं तो आप 100 से 150 के बीच में स्कोर साइंस में ला सकते हो। मतलब साइंस में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 में से आप 30 क्वेश्चन आराम से ठीक कर सकते हो, सिर्फ ठीक की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लगा लीजिए 30 चौके 120 नंबर आप आराम से ला सकते हो, अब भी यदि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो बिल्कुल जीरो लेवल से। कहते हैं कि जिसमें जीरो से शुरू करने की आदत लग गई ना, वो कभी जीवन में हारता नहीं है। आज आप ये सोच के डर रहे हो कि मेरा तो बहुत टाइम निकल चुका है, नहीं, अभी भी आप ये सोच के शुरू कर देते हो कि अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास, तो भी आप एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हो। सो गाइज फॉलो दीज स्टेप्स और मैं आपसे फिर मिलूंगा 15 दिन के बाद इसी टॉपिक पे, फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा कि वॉट यू हैव डन इन 15 डेज एंड यू हैव रिमेनिंग 45 डेज, तो आपने क्या किया। लेकिन ध्यान रखना कि जब 45 डेज यानी 15 डेज के बाद आप इस वीडियो को देखें, तो ये अपने आप में आपको ये इंश्योर करना है कि आपने ये सब चीजें की हैं या नहीं की हैं। बिकॉज वंस यू लॉस द टाइम यू लॉस मैनी थिंग्स, सारी चीजें वापस आ सकती हैं, टाइम नहीं आ सकता है, जो आपने खो दिया वो नहीं आएगा। तो अभी भाई लास्ट है ये समझ लीजिएगा, तो आप इनको करिएगा, इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपको क्या है यहाँ से मतलब काफी ज्यादा स्कोर अच्छा आप अपना साइंस में कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। कल से आपका रगड़ा स्टार्ट हो रहा है, यूज अनलॉक कोड SS30 और कल से आप उसको, हाँ टाइमिंग उसकी बता देता हूँ, 11:45 AM से 12:45 PM। उसके लिंक आपके टेलीग्राम चैनल में बराबर आती रहेंगी, उसको आप फॉलो करिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।